जय श्रीराम। शुभ सकाळ मित्रांनो, तर महाराजांचे दर्शन घेऊन आपण रोयडेश्वराकडे वाटचाल चालू केलेली आहे। तर बघू शकता इकडे जायचं हे महाराज ऋषिकेश आणि गणपती बाप्पा मोरया। तर आपण आपल्या ट्रेकला चालू करतो आता। जय श्रीराम। जय श्रीराम। बोर से सीधा आने के बाद गाँव से हमें यहाँ पर राइट टर्न लेना है और ध्यान से देखिए, राइट टर्न लेने के बाद सीधा जाना है रोयडेश्वर फोर्ट की तरफ। राम राम भाइयों, हम जा रहे हैं रोयडेश्वर की तरफ और ये हमारी गैंग है और अभी बजे 7:30 सुबह के और हम चढ़ना चालू कर रहे हैं और ये बाजरवाड़ी गांव है और ये बाजरवाड़ी गांव का स्कूल है। हमने इधर पार्किंग की है गाड़ी और हम जा रहे हैं इस तरफ। ये कौन आ गए? भाइयों, हम बोर से रोडेश्वर में बाजरवाड़ी में आने के बाद रोडेश्वर को जाने के लिए एक गेट है, देख सकते हो, और इधर से हमें सीधा चढ़ के जाना है। तो आइए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे डिस्कशन के बाद हमारा तय हुआ है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे, वरना हम उस वागजय वाले रास्ते से जाने वाले थे, मगर हम सब में मिलकर यही फैसला हुआ है कि इसी रास्ते से जाने वाले। तो चलो, तर हाय फ्रेंडशिप, मी आलेलो आहे गडावरती ट्रेकिंग करायला, पण मला काय राहलोच नाही, त्यामुळे मी खनिज खातोय आता। हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं नीचे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हमारे एक दोस्त के कान दुखने लगे थे हवा की वजह से, तो वो देखो उसे कैसे ले जाया जा रहा है। पर देखिए, देख सकते हैं बहुत ही पीछे परत भी है यहाँ पे, आइए तो पूरी सफाई। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं गढ़ के गणेश दरवाजे के पास। वैसे तो इस गढ़ को तीन दरवाजे हैं, लेकिन हम आए हैं गणेश दरवाजे के पास और अब हम जा रहे हैं। चलो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आइए, हम अब यहाँ के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और ये हम पूरे दिख चुके हैं, नजारा तो आप देख ही सकते हैं। और हमारा एक आदमी इतना थका है कि वो आ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। हम अभी कोहरा ही कोहरा मचा है आपको दिखाने। जय श्री राम। गणेश दरवाजे से थोड़े से दूर आके हमें ये दरवाजा मिलता है, इसका नाम हमें मालूम नहीं, लेकिन आज हम दिखाता हूँ। यहाँ पर पानी पीने की काफी है, लेकिन किधर किधर है, आज आ जाओ, कमाल गाइस। यहाँ पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ है, मैं अभी आपको जाकर दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं जाऊंगा। पानी ठीक है, जाता हूँ, आ जाओ। अरे पानी से भरा हुआ है, साफ हो सकते है, ये देखिए पानी। चलो आगे चलते हैं। इस दरवाजे से आगे आने के बाद यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की सदर है और देख सकते हैं यहाँ पर भगवान लगाने के लिए बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा किया है। आइए तो देख सकते हैं यहाँ पर शिवाजी महाराज के जमाने के कुछ अवशेष मौजूद है और यहाँ पर भगवा लगाया जाता था और
और यहाँ पर ये सदर के थोड़े थोड़े हाउसेस बचे हुए हैं, बाकी तो कुछ बचा नहीं। और यहाँ पर लिखा है रोहिड़ा उर्फ विचित्रगढ़ के दो नाम थे, रोहिड़ेश्वर और विचित्रगढ़। और देख सकते हैं हमारा दोस्त ऊपर चढ़ चुका है। तो भाइयों देख सकते हैं यहाँ पर रोहिड़ेश्वर के राजवाड़े के अवशेष तो सदर के बाजू से दाहिने हाथ रोहिड़ेश्वर के कुछ अवशेष है। मराठीत सांगायचं झालं तर डाव्या हाताच्या बाजूला रोहिड़ेश्वरच्या राजवाड्याचे थोडेसे अवशेष बाकी आहेत, तर तुम्ही आलात तर बघू शकता। आणि समोरच मंदिर आहे आणि त्याच बाजूला तळ आहे, थोडं छोटस तालाब आहे छोटासा पाणी का। और ये हमारे हिंदी सब्सक्राइबर्स के लिए थोड़ा सा हिंदी में बता रहा हूँ। और यहाँ पर किले का नक्काशा भी है पीछे की तरफ, दिखाऊंगा आपको। और ये तालाब है, आओ दिखाता हूँ नकाशा। देखो ये पूरा, और यहाँ पर सात पुरुष देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7। और ये मेन दरवाजा है जिससे हम अंदर आए थे, 1 2 3। और अब हम यहाँ मंदिर के पास है, तो चलो गढ़। तर मित्रांनो हा किल्ला यादव का काळापासून होता आणि 1956 मध्ये आदिलशाहजवळ हा किल्ला होता, आदिलशाहीमध्ये होता। आणि 1965 मध्ये पुरंदरच्या तळामध्ये हा किल्ला गेला होता। आणि नंतर त्यानंतर 5-6 वर्षातच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1970 मध्ये या किल्ल्याला पुन्हा स्वराज्यात आणले होते। तर आपण बघूयात पूर्ण किल्ला कसा आहे ते। पुराने जमाने के कुछ बर्तन रखे, पत्थर के बर्तन है, देख सकते है ये शायद कढ़ाई होती होंगी। ये क्या है? और ये मराठी में हमें पता है पता है। और सब्जी के लिए ये मिक्सर की तरह यूज किया जाता होगा, हलू नको ले पड़ल, ये मिक्सर की तरह यूज किया जाता है। और ये वो पाटा है, इसका वरूटा नहीं है, ऐसा वरूटा होता है। और यहाँ पर जाते टूटा हुआ है सब कुछ। और देख सकते हैं हमारे महाराज जरा बावर गए त्यांच्या काळात ते वस्तू। आणि के बाद यहाँ पर ये बहुत बड़ा दरवाजा है, यहाँ पर एक तरफ मराठी में एक लेख लिखा है और तो जब आओगे तब जरूर देख के जाना, आ जाओ अंदर। तो दोस्तों आइए हम आ चुके हैं, दिखा दूंगा। ये तामगुड़े बुरुज है और ये हमने देखा हुआ चौथा बुरुज है गढ़ का, चौथा बुरुज देख सकते हैं। और आ जाओ दिखाता हूँ व्यू, आ जाओ। यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ सफेद है क्योंकि हम अभी बादलों के ऊपर शेयर कर रहे हैं, देख सकते हैं। और ये फोटोशूट चल रहा है जो बिल्कुल ही गलत है गढ़ पे आने के बाद, क्योंकि गढ़ एंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है, देख सकते है। रोहिडे मल्लम भैरव ना, रोहिडे मल्लम मी काल गुगल ला बघितले रोहिडे मल्लम। तर मित्रांनो आम्ही आलो आहे रोहिडे मल्लम भैरव नाथाच्या मंदिरात आणि आमच्या दुर्दैवानं मंदिर बंद आहे, पण आपण बाहेरच दर्शन घेऊ जाऊयात। तर दाखवतो पुढं तुम्हाला एवढं करायला लागते। तर मित्रांनो मंदिराजवळ आल्यानंतर इथे QR कोड लावलेला आहे, किल्ल्याला जर काही देणगी द्यायची झाली तर तुम्ही हा QR कोड स्कॅन करून देऊ शकता। आम्ही आता मंदिराला देणगी देणार आहे सगळे मिळून, प्रत्येकी आमचा 1000-1000 रुपये ठरले। आम्ही 6 जण आहे, 2000 रुपयापेक्षा जर जास्त द्यायची असेल तर पॅन कार्डची आवश्यकता आहे इथे आल्यानंतर, तर बघू शकता। आकेगड का तिसरा बुरुज आहे जो हमने देखा आहे। और आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू है।
और ये बुरुज इतना है यहाँ से। अब हम नीचे नहीं जा सकते क्योंकि बारिश के दिन है, कुछ भी हो सकता है। और देखिए व्यू बहुत सुंदर व्यू है। चलो ठीक है आगे दिखाते हैं। इस पत्थर की मदद से ये पत्थर है और हम इसे हिलाने की कोशिश करने वाले मित्रांनो। प्रडेश्वरावरती थोडस पुढं चुन्याच्या गाण्यापासून एक 20-25 मीटर पुढं आल्यानंतर इथं पिण्याच्या पाण्याची टाकी आहे आणि उन्हाळ्यात या किंवा पावसाळ्यात इथं पाणी तुम्हाला मिळेलच याची गॅरंटी महाराजांनी त्या काळात दिली होती। आणि बघू शकता तुम्ही पाणी एकदम स्वच्छ आहे, शुद्ध होऊन येतं पाणी। आणि चला फिल्टर होऊन येतो वरती। तर दोस्तों तर इथे फिल्टर महाराजांच्या काळातला फिल्टर कसा असावा ते इथे दिसत। वरून वरून असं पाणी आलं पावसाचं की त्या ठिकाणी साठत, त्यानंतर वरचं वरचं पाणी फिल्टर होऊन खाली येतं, ते पाणी आपण पिऊ शकतो अशी इथं सिस्टीम बनवून ठेवलेली आहे महाराजांनी। तो चलो थोडा हिंदी में थोडा मराठी में आज दोन बाकी दाखवतो तुम्हाला। जास्त कडलं देख सकते हो ये बहुत बड़ा बुरुज नहीं, छोटा सा बुरुज है। ये ऋषि को क्यों दिखा रहे हो? ओए ऋषि सर बाजू लो। और ये देखो इधर इधर आओ और हम पहुंच चुके वाकई बुरुज के पास। और इस बुरुज का नाम वाकजा इसलिए रखा गया है क्योंकि उस तरफ इसके उल्टी तरफ वाकजा माता का मंदिर है जो भोर वाले के भोर वालों का बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है। और देखिए दिखाता हूँ वाकजा माता का इस बुरुज से। और ये इस किले का सबसे बड़ा बुरुज है। दरिया थोड़ा मराठी थोड़ा हिंदी का आता हो तर चौदा दरवाजापासून थोडासा पुढे आल्यानंतर गडाचा शेवटचा आणि सातवा बुरुज आणि तिकडे सातवा बुरुज भगवान शब्द और यहाँ पर झंडा लगाया जाता था। आजा ये बुरुज का व्यू है। देखो बाबा साला अरे व्यू दिखाओ तुम दिखाने वाले कुछ दिख नहीं रहा है। A few moments later आपल्या गाडाचा प्रवास इथे संपलेला आहे आणि गडाचा निरोप घेऊन आपण सगळे आता घरी जाणार आहोत। तर आपण महाराजांसाठी घोषणा देऊयात थोड्याशा। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। जय जिजाऊ जय शिवराय। तर रावांनो भावांनी खूप ब्लॉक साठी मेहनत केलेली आहे, पावसाचं वगैरे त्यांनी ब्लॉक काढलेला आहे। तर कमेंट मध्ये जय शिवराय सगळ्यांनी लिहायचं आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं। जय शिवराय जय शिवराय।